हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। सुबह 5 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, 8 बजे का टाइम है। धूप निकल रही होगी, क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखा रहा हूँ 5 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ बस। ठंड नहीं लगती, देख ले, दिख रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। और कल धुलवाई थी, कितनी चमक रही है दोनों गाड़ियां, बस थार रह गई थी। थार को आज धुलवाऊंगा, थार के थोड़ा टाइम वक्त नहीं बचा था, तो अब मैंने सोच लिया भाई गाड़ियों को एकदम क्लीन रखा करूंगा। 300 रुपए लगते हैं एक बारी के धुलने में, बट कोई नहीं, गाड़ी तो चमकती है, फील आती है गाड़ी के अंदर बैठते ही। ओए होए, कितनी बढ़िया लग रही है। चलो भाई, अब जिम का टाइम है, जिम चलते हैं सुबह सुबह। आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी विंटर। 26 दिसंबर आज की तारीख है, और भाई एप्पल वॉच चार्ज करना जरूरी है। इसमें मैं चार्ज लगाना भूलेगा तो मैं इसकी केबल इसमें उठा लाया, क्योंकि भाई इसके बिना फिर जिम विम ना होना पाती। इसमें टारगेट वारगेट सेट कर देता हूँ, तो उनको फॉलो करते हुए कि इतना टाइम हो जाता है। अब ये चार्ज नहीं, अब सर्दी इतनी पड़ रही है, स्पीति वैली बना पड़ा है भाई अपना एरिया। स्पीति में होता है जल्दी जल्दी फ़ोन अपना वॉच वगैरह जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं जब वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है। ये चार्ज ही नहीं होके दे रही यहाँ पे भी, यार इतनी ठंड है, बताओ गाड़ी में भी। देखो भाई, मैं जिम भी पहुँच गया हूँ और अब भी चार्ज नहीं हुई, 1% भी चार्ज नहीं हुई। देखो मैं बटन दबा रहा हूँ, ये एप्पल है, कम से कम भी 10-15 मिनट तो लगते हैं हमको आने में। बताओ यार, इसको आग जल रही हो तो कहीं बताओ यार, मैं आग में फेंकता हूँ इसको। वैसे इतनी सर्दी पड़ रही है ना, आग जल रही होगी कहीं पर, उसमें डाल देता हूँ यार। बंद पड़ी है, छोड़ो मैं जिम मान लेता हूँ, गुस्सा उधर निकाल लेता हूँ। भाई अभी जिम से मैं आ चुका हूँ, स्कॉर्पियन मैंने खड़ी कर दी है, इसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को खेत पे वो पानी चल रहा है गेहूं में, तो वहाँ पे डीजल डाल के आना है। ना इसको लेके जा सकता ना किया लेके जा सकता, क्योंकि भाई चल रहा हो तू गिरने, तू तो नवा दुबो है यहाँ, ये ही गंदी है, तो इसमें डीजल की कैन लेके चला जाऊंगा, वरना भाई दोनों नवी दुबी खड़ी है फालतू में। ए घेर पे तो लेनी है, घेर पे तो आ जा, और अरे फूल है तो फूल ठीक है, अरे कट्टी में एक अल्लाह में भरी आऊंगा ना, बार बार ना डोले जाएगा मुँह पे। हाँ तो भाइयों, बहुत बुरी ठंड के साथ हम लोग थार लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो भाई, कल तो धूप तो निकल रही थी, आज तो धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अभी मैंने देखो, दिल्ली में तो पता है आप लोगों को ऐसे लूज मिलता नहीं डीजल, लेकिन अपने यहाँ मिल जाता है भाई, क्योंकि एग्रीकल्चरल एरिया है ना, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा। तो हमारे यहाँ 89.98 रुपए है, एक खेत भरना है अपने को भी फिलहाल, तो एक मतलब 5 लीटर में काम हो जाएगा 500 रुपए में जस्ट। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जैसे ये एक कैन अपनी आती है अगर तेल वेल की, 5 लीटर की एग्जैक्ट है ना, तो अभी देखना आप कितने का आएगा इसमें, 5+ अबव कर जाएगा क्योंकि थोड़ा उसमें कम रहता है। देखो 5 एग्जैक्ट आ गया, देखो ठीक है, और भी आ जाएगा 5.18, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है मैं तो। चलो देखो भर गई भाई, फुल ऑन आ गया, 470 रुपये का तेल। और आजकल भाई 5G आने के बाद क्या बिजली पड़ी है, ना जियो चलता ना एयरटेल चलता, मतलब अगर एक जगह पे स्टेबल रहोगे तो बढ़िया चलते हैं, इधर उधर डोलते फिरते हैं ना जहाँ नेटवर्क स्विच होते हैं भाई, ना एयरटेल मतलब पेमेंट करने में इतना टाइम लग गया, कोई चलता ही नहीं, एयरप्लेन मोड पे डालो तब डालो। अरे अभी कुछ एक हफ्ते से प्रॉब्लम आ रही है, मैं सोचा ऐसे ही होगी यार, हो जाएगी ठीक, पर मैंने सोचा कि यार पता मेरे फ़ोन के साथ आती है 14 के साथ, लेकिन सबके में ही आती, सबके में आती है, पता नहीं क्या चाह रही है कंपनियां, तो सर्विस अच्छी दे दो, या फिर ऐसा है मैंने 3,000-3,000 रुपये का दोनों में एक साल का रिचार्ज करवा लिया तो इसलिए ऐसे मजे ले रहे हैं कि अब तो बंद गया हमारे साथ, पता नहीं। तेरे में भी होती है दिक्कत? सबके में हो रही है भैया, तेरे में भी होती है? हाँ मौसम के बात है, अभी दिक्कत आ रही है। हाँ हो सके मौसम भी हो, मौसम के बात ये भी एक लॉजिक है भाई, मौसम फॉग पड़ रहा है तो उससे दिक्कत आ रही हो। नाइस पॉइंट। हम आ चुके हैं अभी गंदे नाले के पास, ये देखिए कुछ इस तरीके का माहौल है। ये दोनों गाड़ियों के अगर आप नंबर देखोगे, इसका भी 1144 है, इसका भी 1144 है, तो यहाँ पे भाई क्या रहता है ना, हमारे जो ज़मीन है उसमें खारा पानी है, तो हम उसको नहीं दे सकते क्योंकि फसल यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। अगर मान लो हम ये हरे हो जाएंगे तो हरे से काले पड़ जाएंगे, पीले
खत्म हो जाएंगे, गेहूं मतलब दाना नहीं आएगा। आपने कभी देखे देखा है क्या? हाँ। देखा है बिल्कुल, आपकी टोपे जैसा कलर हो जाता होगा। सर्दी के बारे में दो शब्द हो जाएं, सर्दी के बारे में। अब देख सुबह से ठंडे 6 बजे से डोल रहे हैं हम, भाई हमें तो लगती ना, हम तो जिम वाले हैं यार, क्या करें यार, जिम वालों को हमारे संग आके देख जब पता चलेगी सुबह। भाई किसान आदमी की मेहनत है भाई, देखो ये गंदा नाला आता है फरीदाबाद का, टट्टी पेशाब गू सब इसमें आता है भाई, बहुत गंदा। और इसे सब पे जायू गेहूं निकल के, हाँ भाई पता है जो आप गेहूं सोचते होंगे आशीर्वाद आटा, ये आटा का वो आटा का खा रहे हैं, डाल दियो का हाँ। हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, सारा पानी तो भाई यही लगता है गंदे नाले का। हाँ। यही आपका जो आप वहां से छोड़ते हो ना अपना फ्लैटों में से बैठे बैठे, वो इसमें डिस्चार्ज होके आपको उल्टी फसल में, वही वाइस वर्सा होता है, कर्म एग्जिस्ट भाई। हाँ। नेचर आपको वही चीज खिला रही है, फिल्टर करके दे हम तो उल्टो फिल्टर करके मिलता है तो अलग बात है। बाकी मैं आपको थोड़ा जुगाड़ समझाता हूँ, ये देखो ये भाई आईसर का ट्रैक्टर है ये, और भाई इतना लाजवाब ट्रैक्टर है, हमारा दादा परदादा के टाइम का है ये, आजकल बस केवल यूज होता है इसमें पानी के लिए यूज होता है, क्योंकि भाई ये माइलेज बहुत अच्छी देता है ना, तेल बहुत कम पीता है। अब भाई देखो बुढ़ापा आ लिया, इसका जंग लग गई तो इसका लॉक वगैरह टूट गया, तो डीजल का होता है, रात में चले जाए ना डीजल निकाल ले। अब भाई मैं कह रहा हूँ जो असामाजिक तत्व होते हैं ना अपने, वो आके डीजल निकाल ले जाते हैं, क्यों इनमें सिंपल सा आप लोग नली डालो और नली से सीधे निकल जाता है, तो इसलिए भाई ताला जरूरी है। वैसे इसको भी तोड़ तो सकते ही है, इतनी मेहनत करने का टाइम नहीं है, चक्कर मारते रहते हैं। बाकी भाई देखो टायर घिसे पड़े हैं पूरे, जुगाड़ देखो इसका, ये होता है नापने के लिए कि कितना बचा हुआ है तेल इसके अंदर, क्योंकि कोई भाई मीटर वीटर तो आता नहीं है। देखो सीट देखो पता फुल जुगाड़ हुआ है ये, देखो कुछ नहीं, बस ये इसके लिए यूज में आता है भाई। आईसर के ट्रैक्टर ना जनरेटर हो और इंजन तो भाई आज भी सालों साल चल रहे हैं, कोई मेंटेनेंस भी नहीं मांगता होगा, नहीं मांगता। ये देखो ऐसे लगाया, अपना पानी यहाँ से खींच रहा है, इसके थ्रू यहाँ से खींच रहा है, इसमें से गंदे नाले में से, और आगे जन कितने लगा रहे हैं आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो दो पाइप तो यहीं पर डले हुए, मतलब सभी इनमें से ही देते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही आपको ऐसा अनाज खिला रहे हैं। हम भी यही खाते हैं भाई, कभी कोई सोचे कि कैसे कैसे, हम भी यही खाते हैं, यही खा खा के इतने जवान हो गए हैं भाई, इतने इतने पेट निकल गया है ना, ना, ना। और एक किलो सबको लग रही है बोर के पानी को, ओ जरूर हाँ जरूर। और ये देखो ये हो रखा, और भाई देखो यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, ये इनपुट हो गया, ये हो गया प्रोसेसिंग यूनिट इसकी CPU, ये आउटपुट हो गया। अब ये जो चीज है ना, ये हमने अंडरग्राउंड दबा रखी है, जितने भी अपने खेत है ना, तो नीचे अंडरग्राउंड जितने भी खेत है हर जगह एक एक वो खोले रखते हैं, टी जिससे बोलते हैं, जहाँ भी जिस खेत में लगाना होता है उसकी खोल देते हैं और सबकी बंद कर देते हैं, वहाँ से पानी आने लग जाता है, तो ये जुगाड़ चलता है भाई। ऐसे किसान बहुत मेहनत करता है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, पानी निकल रहा हो कितनी दूर निकल रहा है। और भाई पता है लोग क्या है ना, ऐसे रजाइयों में घुसते हैं बैठते हैं, सोचते हैं कि भाई बहुत ठंडे मजे लेते हैं, भाई इनकी मेहनत देखो, जुगाड़ लगाना हटाना, पता कितना टाइम पानी लगता है एक गेहूं के खेत में, 4 बार लगता है, 5 बार और पूरी बरसात दिन में लगे है ना, देखो भाई पूरा सेट रहना पड़ता है, टोपे से जूतों से पूरा हाथ देख लो, हाथ देख लो भाई मेरे, काले काले हाथ कुड़े तेरे चूड़े वाले लाल कुड़े भाई भाई देखो यार बहुत स्ट्रगल है सच में। और गाड़ी में अब तो चलो भगवान की दया से गाड़ी घोड़ा जुड़ गया है, वरना पहले बाइकों से होता होगा भाई, सोच के देखो कितना स्ट्रगल था पहले बाइक, और ट्रैक्टर वगैरह जब भाई बहुत संघर्ष है भाई, किसान की जिंदगी बहुत टफ है, और भाई उसकी भी गारंटी नहीं है कि मिले ही मिले, मिले पिछली बार जैसा खराब है, खराब भी हो सकने का बहुत ज्यादा डर होता है भाई इनको, 28,000 रुपया की बताओ यार क्या है यार, किसान में बताओ यार बहुत है भाई, बहुत इसमें वो है, पर फिर भी किसान ऐसे घूट भी जाता है कि छोड़ो यार भाई। आजकल ना मैं सच बताऊं मतलब खेती में ना ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बचा नहीं है भाई, अंटलों से बहुत बड़े जमींदार हो, एक साइड बिजनेस ना सबका होता ही होता है इसके अलावा भी, क्योंकि इस पर टोटली रिलाई नहीं किया जा सकता भाई, इतनी मेहनत है ना, इतनी मेहनत है, उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है भाई, सच बात है, कोई हंसी मजाक नहीं या कोई हमें से सिंपथी नहीं बोल रहा मैं सिंपथी के लिए, पर जो रियलिटी है वो। तो अब भाई पानी हमारे खेत में चल रहा है, तो आप अमानत, ये हमारी अमानत है, अब जितना हमको अपने खेत में पानी चलाना है ये चाबी हमारे पास है, तो ऐसे ही चलता रहता है भाई सिस्टम भाईचारा। अब हम अपना जब हमको तेल डालना होगा तो ऐसे ही 5 लीटर की फिर से कट्टी इसमें डाल जाएंगे और भी घालेंगे ना।
है क्यों? 5 लीटर भर जाएगा सब लोग। 5 लीटर में खेत भर जाएगा क्या? खेत ना पूरा छोटी सी दरी है बस राहू के बारी जो हमने हैरो तो जोती। चलो वो दिखा के लेके आता हूँ भाइयों को कैसा है कैसा नहीं। अच्छा जो धार से जोती हुई खेत भाई देखो मैं आपको सच में बताऊं तो भाई देखो मैं तो जिम्मेदार बिल्कुल करता नहीं, मुझे 1% इसकी नॉलेज रहती नहीं है। एक्चुअली पापा ने हमको कभी ये जिम्मेदारी में लगाया ही नहीं भाई। वी आर सो ग्रेटफुल कि पापा ने सोचा चलो इनको पढ़ाते लिखाते हैं और जिम्मेदारी से थोड़ा बचाते, क्योंकि भाई उनको पता था कि यार बहुत इसमें संघर्ष है, उसका आउटपुट इतना मिलता नहीं है। तो हम तो बड़े ऐसे ग्रेटफुल हैं भाई। और भाइयों सबसे मोटी टेंशन देखो इतना ही नहीं कि यार चलो ये भी है कि चलो ये तो नेचुरल फिनोमेना हो गया, भगवान के हाथ में, इसका कुछ नहीं करते ना, तो इनका इंश्योरेंस कुछ होता ना कुछ। सबसे मोटी दिक्कत अब होती है भाई साहब इसकी। अब देखो हमको कुछ चीज दिखी, मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ। ये हमको दगरी ये रस्ते ऐसे होते हैं, थार ही सक्सेसफुल है भाई इनमें। यहाँ का साइड में कर लूँ सीधे लूँ? मतलब हाँ यहाँ कर ले उल्टी मोड़ लीजिए। ये देखो अभी यहाँ पे एक जानवर होता है भाई साहब नील गाय, हमारी देसी भाषा में उससे बोला जाता है रोज। ओ भैया भाई क्या रास्ता भी ना बने। देखो ये बकरे, देखो ये बकरे हॉर्न मारी। ये देखो कैसे बकरे, ये देखो करके दिखाऊं आपको। देखो इनको ऐसे भगाया जाता है, ये अपना ही कहता। अब बताओ इसमें आके लग रहे थे सारे की भैंस रुक जा, इसमें आके लग रहे थे बताओ भाई। अब ये गेहूं है अभी पानी लगा इनमें देखो बिल्कुल, और इसको खाने लग रहे हैं बताओ यार ये कहां बड़े होंगे। ए भग जाओ कुछ और खा ले करो, हमें ही खाओगे, दुनिया खा रही है हमें, तुम भी खा लो बताओ। पता है क्या, जैसे हमारा दिनेश है ना, वो जैसे दिवाली पे हम लोग पटाखे लेके आते ना, अरे भग जा देख रहो अभी तो बजे बजे मौज बजा और बजा बजा भागी ना रहे भाग ना रहे। ये ना भाग रहे भाई आते आगे अब अरे सुधर जाओ भाग जाओ भाग दिए। अरे गरीब आदमी है समझ लो, थोड़ी मजबूरी यार हद होती है। फिर आ जाएंगे वैसे फिर आ जाएंगे तो है ना भाई। सूतली बम लेट के रखता है हमारा दिनेश तो, और उनको फोड़ पड़ाक जैसी फोड़ता है, और ये ऐसे डर के भाग जाते हैं उससे। और ये भाई ये बस इसके लिए खतरनाक नहीं होते, ये ऐसा जानवर है, ऐसा जानवर है, अंधा पागल है ये। एक अगर भागने लग गया ना भाई इसके पीछे पीछे ऐसे भागेंगे, फिर ये ना रोड देखते ना कुछ देखते ना, ये वापसी बैक ना हो सके, इनका रिफंड होने का सिस्टम ही नहीं है भाई। एक बार रोड पे भाग गए तो भाग गए, अगर इसने एक ने वो सीध बांध ली ना कि सीधे 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 भागन लगे हैं तो सारे भागे तो ही चले जाएंगे भाई उल्टे ना आए। फिर रोड पे ना जैसे धुंध है मान लो, दूर से तो आदमी को फिर भी दिख जाता है भाई, बाइक वाले से अगर टकरा जाते हैं बाइक वाले में लगते हैं, क्योंकि एकदम बहुत तेज स्पीड होती है और निकल के आते हैं भाई, आदमी बाइक पे तो मरे ही मरे खत्म हो जाता है। और भाई ऐसे ऐसे हमने सीन देख रखे हैं, गाड़ी में अंदर तक घुस जाता है, पार हो जाता है। तो भाई नील गाय सच अ डेंजरस थिंग, मतलब किसानों के लिए भी, और जो रोड पे चलते हैं ना खासकर जो ऐसे रोड होते हैं हमारे लोकल है जैसा ही गाँव का एक साथ, तो मैं खुद निट निट बचाता भाई साहब। किया थी मेरे पास, रात का टाइम था, कॉल तो नहीं था, इंस्टेंट एकदम ब्रेक मारी मैंने तब जाके बचा, वरना ये बहुत खतरनाक जानवर है भाई साहब। एक बार घुस जाए ना इतना भारी और होता है, गाड़ी पे पड़ जाए तो शिफ्ट बार हो तो खत्म ही कर देता है भाई साहब इंसान को। चलो और भाई मैंने आपको दिखाया हम लोग अभी कहाँ से आए हैं, करीबन हम 4 किलोमीटर दूर वो गंदा नाला है, खेत हमारा वो वाला 1 किलोमीटर दूर ही था। अभी ये वाला खेत से आप मिलिए, ये खेत भाई मैंने उससे अपनी जो थार है ना इससे जोता था, आपको अगर याद हो करीबन 1 महीना हो गया होगा। और भाई साहब इस खेत को जोतने के बाद इसमें गेहूं देखिए कितने जबरदस्त हुए, इसमें खाद भी वैसे डल चुका है, ये देखो खाद है ये। और यहाँ पे इस तरीके का पूरा आजकल किसान भाई सब गाड़ियों में चलते हैं, जैसे वो अंकल मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंकल देखो ये भी अपने खेत पे आए हैं अपने कुछ तो मेरे ख्याल से खाद वाद डालने, ये भी गाड़ी से आए हैं भाई यौन से देख रहे हो। इसमें पापा होने चाहिए थे यहाँ पे, पापा पता नहीं कहाँ गए। ये देखो इस खेत में पानी चल रहा है कहाँ से कहाँ, क्योंकि पहले बोर हुआ करता था अब सब खारा पानी हो गया यार। ये देखो ये चल रहा पानी, ये इसमें से ना ये जो वो है पाइपलाइन वहाँ से गड़ के यहाँ तक आ रही है, और ये हमारे बाबा आर के टाइम की ही दबी हुई है, कभी कभी लीक हो जाती है कहीं कहीं से, क्योंकि भाई बहुत पुरानी हो गई तो प्लास्टिक है तो थोड़ा तो आ ही जाता है सर, लेकिन कहीं कहीं से होती है उसको खोद के पता चल जाता है जिसके भी खेत में होती है, तो यहाँ सब कोऑपरेट करते हैं क्योंकि दुनिया की सबकी यहाँ पे एक दूसरे खेत में जा रखी है। तो इस तरीके से पानी चल रहा है भाई अपना, ये देखो पूरा खेत भर जाएगा, ये 5 लीटर में इसका काम हो जाएगा, तो छोटा सा ही खेत है। अब थार के जुते हुए खेत में इतने मस्त हो रहा है यार पानी,
और गेहूं देखो, गेहूं भी बढ़िया हो रहे हैं एकदम हरे हरे, काले पड़ जाएंगे अब खाद डाला है ना इसमें, मस्त हो जाएंगे। चलो यार अब कुछ खा पी लेते हैं, डाइट वाइट ले लेते हैं, ठंड पड़ रही है, मैं तो रजाई में खुश जाऊंगा आज। भी नहीं है प्रॉब्लम है तो कोई सलूशन भी तो होगा, जवाब होगा हम। और भाई हमारे गांव का सरपंच बदल गया, तो पुराने सरपंच का यहां पे बोर्ड हटेगा, ये देखो ऊपर लगा पड़ा है। चल भाई अब अपना नया छपवाएगा वो, तो यही है भाई, एक जाता है तो दूसरा आता है, दुनिया की रीत है भाई ये तो। वो गए अब उनका नाम मिट के दूसरा लग जाएगा गांव एंट्री का सरपंच। अभी भाई कल आए थे, कल तो इनकी दुकान वगैरह हमको बंद पाई थी, तो आकाश के रूम के लिए फिलहाल हम लेने आ चुके हैं, और इतने सारे पर्चों में से और आकाश को फोटो भेजने के बाद हमने चूज कर लिया है भाई ये वाला कलर, ये उसको थोड़ा लाल लाल सा चाहिए, पता नहीं क्यों, तो इसके लिए लगता है न्यूट्रल बेस। एक बार खोल के दिखाओ ये देखो भाई, और ये महंगा पड़ता है, हम 33 रुपए कलर ले जाते थे, ये बन रहा 1200 रुपए का। ये देखना ये मशीन से, जिसमें बेस वेस सब कुछ अलग ही बनता है यार, उसकी दो दीवारों के लिए इतना खर्चा हद होती है यार किसी चीज की, 1200 रुपए में मतलब और थोड़ा मिला के पूरी बाल्ट आ जाता 20 लीटर का, और कितना ही पतवा लो उससे यार। अब भाई मैं घर पे आ चुका हूँ आकाश का पेंट लेके, लेकिन एक चीज देखो हमारा पूरा ना ये ब्राउन ही ब्राउन हो गया, लाइट बिस्कुट 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 एकदम पूरा सारा ब्राउन ब्राउन ब्राउन। तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो ये वाला पेंट बच गया, आज यूसुफ का मेरे घर से फाइनल डे है, या एक आध दिन का और काम बचा है, तो मैंने कहा चलो यार इसका जिम मैं ही ले लेता हूँ। अरे पूरी दीवार भाई मैं करने में लगा हुआ हूँ, तो किसी भाई को अगर ऐसे ठेका ठूका कुछ देना हो, कोई पेंटर की तलाश है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं @arunpawarx। मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ भाई। भाई अब देख लो यार, मतलब सुबह पानी लगाओ ये पेंट पुंट का काम देखो, अब आकाश ने देखो भाई पहले ही करवा लिया इसने दीवारों पे नीला सा रंग है, और अब चेंज करवाया है 1280 रुपये की बाल्टी आई है या कलर की स्पेशल। अब हम वाह कलर करें पीछे हाथ में भी रंग लग गो, बताओ पीछे करके आया हूँ अभी लाल रंग लेकर आया हूँ, अब सोने पे जाते हैं। वीडियो तो मैंने खुद बना ली, खुद बना लेता हूँ।